नमस्ते आप सभी को। राहुल जैन आज की शाम जन सरोकार मंच के साथ सुर के संग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच और देवेंद्र जी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ कार्यक्रम देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा मेरे सामने। तो आज का कार्यक्रम मैं शुरू करता हूँ। तो सुर के संग कार्यक्रम में मैं आज तीन फेज तीन ग्रुप में जाऊँगा। तो पहला ग्रुप पहला फेज जो है पहला ग्रुप वो है मेरा परिचय, संगीत से मेरा वास्ता, उसमें मैं आपको तीन गीत सुनाऊँगा। दूसरा फेज जो है वो होगा गीत संगीत का महत्व और गीत संगीत की ज़रूरत हमारे जीवन में, उस फेज में भी मैं आपको तीन गीत सुनाऊंगा। और लास्ट का जो तीसरा फेज है उसमें वो है शिक्षा व बच्चों से जुड़ाव, मेरा और संगीत का शिक्षा से और बच्चों से जुड़ाव किस प्रकार से बन सकता है और बना है वो मैं आपको तीसरे फेज में ले जाऊंगा। तो शुरू करते हैं। मेरा परिचय आप जान ही गए, मैं राहुल जैन हूँ और मैं वर्तमान में अजीम प्रेमजी स्कूल बमोर में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं क्लास वन को पहली क्लास को ओवरऑल पूरे मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, मेरा परिचय, संगीत से मेरा वास्ता और मेरी संगीत में रुचि कैसे हुई इसकी जर्नी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बचपन में जब छोटा था तो तभी से ही मतलब मेरे पापा को गीत संगीत का वो शौक़ था, मतलब अभी भी काफ़ी शौक़ है। मोबाइल अभी अब तो मोबाइल में गाने आने लग गए, पहले कीपैड वाला मोबाइल था उनके पास में तो उसमें ही गाने चलाते थे। अभी उन्होंने मतलब वो ले लिया स्क्रीन टच वाला मोबाइल, तो उसमें भी गाने सुनते रहते हैं और गाते भी रहते हैं, गुनगुनाते भी रहते हैं। तो बचपन में मैंने उनसे जो प्रेरणादायक गीत सुने वो गीत मेरे मन में छाप छोड़ रहे हैं, छाप छोड़ गए। और उसी से मैं मतलब थोड़ा लगा मेरे को कि यार प्रेरणा मोटिवेशनल जो गीत हैं, प्रेरणादायक गीत हैं, वो हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमें किसी भी कदम के लिए किसी भी दिशा के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं वही तीन गीत जो मेरे पापा गुनगुनाते थे पहले बचपन में, दो गीत तो मैंने बचपन से सुने हैं और एक गीत अभी अभी गुनगुनाने लगे हैं पापा, एक नया गीत पुराना अभी नया सुनाऊं। तो दो गीत तो पहले थे जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की नैया बहाते चलो, और दूसरा था चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। और अभी जो गुनगुनाने लगे हैं वो है एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। तो मैं आपको ये गीत सुनाता हूँ जो मेरे पापा के फेवरेट गीत हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, एक एक अंतरा मैं आपको सुनाऊँगा इनके। ढोलक लेता हूँ साथ में, कहीं आवाज़ नहीं आए तो आप मतलब साफ नहीं आए या कुछ ऐसा लगे तो आप मेरे को बता दीजिएगा। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते
इतने अच्छे अच्छे गाने हैं जो हमें और हमारे ग्रुप को, हमारे समाज को मोटिवेट कर सके और हमारे साथियों को मोटिवेट कर सके। तो बस ये है कि उन्हें खोजने की ज़रूरत है। तो दूसरा गाना मैं आपको सुना रहा हूँ, अकेला चल अकेला चल अकेला, ओ तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, ओ तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं, चल अकेला। मतलब दिखने में तो अजीब लगता है ये शब्द भी, चल अकेला अकेला। सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो कैसे अकेला चलेगा। लेकिन पहले जो गीत था, जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, वो गीत तो मिलजुल कर रहना सिखा रहा है हमें, जोत से जोत जगाते चलो मिलजुल कर रहो। और यहाँ ये दूसरा गीत चल अकेला बता रहा है, यानी अकेला चल ना, अकेला उस स्थिति में है कि हम कभी भी अकेले नहीं है। मतलब कभी मान लो ऐसी स्थिति भी आ जाए कि हम मतलब दुनिया में इस प्रकार से कभी ऐसी स्थिति आ जाती है हमारी, तो वहाँ पर हम अकेले पड़ जाए, हम कभी अकेले, तो अकेला भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये एक गीत हमें ये संदेश दे रहा है कि अकेला भी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो अगर अपना मेला पीछे छूट गया तो छूट जाने दो, कोई बात नहीं। हम गुम हो गए अगर मेले में तो गुम, कोई बात नहीं, चलो अकेला चलो, लेकिन हिम्मत मत हारो, कभी कभी ना कभी तो हम मेले में वापस एकजुट होंगे। तो आगे ले चलता हूँ मैं वही गाना, एक नया गाना जो अभी एक आध साल से ही मेरे पापा गुनगुनाने लगे हैं उस गाने को, और सुनते भी बार बार, मतलब जब देखो तब सुबह उठते ही, मतलब 5 बजे उठते ही वो उस गाने को लगा देते हैं। तो मैं वही गाना सुना रहा हूँ आपको। सुनो एक तराना नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा जीने वालों को जीने।
थैंक यू आपको बहुत बहुत। अब आगे आगे लिए चलता हूँ मैं आपको दूसरे फेज की तरफ। ये तो था मेरी रुचि कैसे डेवलप हुई। अब इसके साथ में मैं एक और बताता हूँ कि मैं बचपन में मतलब इतना शौकीन था इसका गाने का, बजाने का, गाने बजाने का। हालांकि इतना मेरे को वो नहीं हुआ, मौका नहीं मिला। पापा की तबीयत क्या है कि 8-10 साल तक काफ़ी ख़राब रही थी साइकोलॉजिकली रूप से, तो मतलब मैं इतना मौका नहीं मिल पाया मेरे को अपनी घरेलू परिस्थितियों की वजह से। लेकिन फिर भी मैं कुछ मतलब टेबलों को बजाता रहता था, और मतलब घर में एक घुड़ला था, वो चलाते ना बच्चे घुड़ला, तो उसके दोनों ऊपर दो मग लगा दिए मैंने, जैसे बैंड में लगे रहते हैं ना भोपू, उस तरीके से मग लगा दिए और उसको चला करके, और उसके साथ में एक दो मेरे साथियों को लेकर के बचपन में, और मैं बजाता चलता था, थोड़ा गाता चलता था। मतलब बैंड का थोड़ा शौक था, तो गाने बजाने का तो शौक था बचपन से ही। और काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी मैं इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूँ, सिंथेसाइजर, तो उसको बजाता हूँ और गाता भी हूँ। तो अब दूसरे फेज की ओर ले चलता हूँ मैं आपको। दूसरा फेज था गीत संगीत का महत्व और ज़रूरत। तो गीत संगीत का तो महत्व काफ़ी कुछ है हमारे जीवन में, बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती शायद गीत संगीत के बिना, मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें गीत संगीत का महत्व मतलब कई क्षेत्रों में ये काम में आता है। गीत संगीत एक तो एंटरटेनमेंट, सबसे पहले तो मनोरंजन है ना, मनोरंजन मतलब यानी अपना मूड फ्रेश करने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए है ना, हम गीत संगीत की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे गाते हैं, चाहे गाना सुनते हैं या किसी को सुनते हैं या सुनाते हैं या गाते हैं, किसी भी तरीके से हम इन्वॉल्व होते हैं संगीत में, गीत संगीत में। लेकिन हम गीत संगीत में इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें क्या है कि एंटरटेनमेंट का काम केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर ही नहीं रहता, ये एंटरटेनमेंट का काम ये जो है मनोरंजन का काम शादी ब्याह में, विभिन्न कार्यक्रमों में, जन्मदिन पर, सब जगह मतलब और भी कई अभी मंदिर वगैरह में भी सब जगह एंटरटेनमेंट का काम भी शुरू रहता है। तो ये है मूड फ्रेश करने का टाइम है ना। और दूसरा जो है वो है प्रोफेशनल यानी व्यवसाय के तौर पर, तो कई लोग म्यूजिक को अपनाते हैं, चाहे वो कोई भी अच्छा सामाजिक गीत गाएँ या फिर भजन संध्या में गाएँ या फिर कई कोई फिल्मी गीत गाएँ या कोई और गीत गाएँ या जैसा भी हो, वो प्रोफेशन के तौर पर, व्यवसाय के तौर पर भी इसको अपनाते हैं। दूसरा और बजाने गाने का नहीं ही नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बजाने का भी इसमें व्यवसाय है। और आगे है तीसरा, मैं कहूँगा पूरक के रूप में, सहायक के रूप में, ये बहुत बड़ा है। ड्रामा और सीरियल वगैरह जो आते हैं ड्रामे में और सीरियल में, बैकग्राउंड जो म्यूजिक देते हैं, साउंड देते हैं, बैकग्राउंड साउंड है ना, प्लेबैक साउंड, तो उसके लिए म्यूजिक का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। म्यूजिक उस ड्रामे की, उस सीरियल की, उस नाटक की महत्ता मतलब उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा देता है एकदम से, जैसे कि मतलब एकदम से किस प्रकार का मतलब एक झनकारदार म्यूजिक या रोमांचक म्यूजिक, मतलब अलग अलग रोल के तौर पर अलग अलग म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है। तो आगे लिए चलता हूँ मैं आपको, एक है शिक्षा और संदेश और मोटिवेशन भी एक तरीके का है। तो मोटिवेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, हम खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं, अपने साथी को भी मोटिवेट करने के लिए गीत संगीत का प्रयोग कर सकते हैं, और अपने ग्रुप को, अपनी पूरी टीम को एकजुटता में बांध रखने के लिए, एक एक्टिव तरीके से काम करने के लिए भी गीत संगीत का सहारा ले सकते हैं हम। तो आगे मैं लिए चलता हूँ मोटिवेशन के तौर पे, आगे मैं तीन गीत सुनाऊंगा आपको है ना। एक तो आशाएं खिली दिल की, दूसरा ओरे ताल मिले नदी के जल में, तीसरा है कबीरा मान जा। आशाएं कुछ पाने की हो आशा, कुछ अरमा जो हो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों
सॉन्ग मैं आपको सुना रहा हूँ, ये दूसरा सॉन्ग था। मतलब ऐसा सॉन्ग है ये कि मतलब यहाँ संसार में आप ढेर अपार इच्छाएं हैं, मतलब कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। सूरज को धरती तरसे, सॉरी सूरज को धरती तरसे और धरती को चंद्रमा, तो किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होती। तो कहीं भी इतने सारे ढेर सारे मोटिवेशनल गीत भरे पड़े हैं हमारे इंडियन म्यूजिक में, तो हम हमें खोजने की जरूरत है बस थोड़ी सी। तो तीसरा सॉन्ग मैं सुना रहा हूँ, कैसी तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छांव। सुनना सभी इसको, मतलब गीत के बोल सुनना और थोड़ा इंडिकेट रिलेट करना। कैसी तेरी खुद गर्जी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया।
लगता है कि कोई व्यक्ति अगर मतलब निराशा से भरा हुआ है और वो न तो अच्छा अच्छाई को अच्छा मान रहा है, न बुराई को अच्छा मान रहा है, वो निराशा से भरा हुआ है, तो उसके लिए मतलब एक जीवन में कुछ जागृति पैदा करने के लिए सॉन्ग काफ़ी अच्छा है। रे कबीरा मान जा, कैसा है तू निर्मोही, कैसा हर जाइया। आगे बढ़ते हैं तीसरे फेज की ओर। तीसरा फेज हमारा था शिक्षा व बच्चों से जुड़ा हुआ। तो म्यूजिक का और मेरा शिक्षा का और बच्चों से जुड़ाव से क्या संबंध है? तो मेरा भी रिश्ता रहा है बच्चों से काफ़ी। मैं अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों को, है ना। तो बच्चे जो म्यूजिक पसंद करते हैं, गाना गीत पसंद करते हैं, वो एक तो मतलब मस्त मौला गीत होने चाहिए और उसमें मतलब मस्ती होना चाहिए कुछ, है ना, और कुछ उटपटांग वर्डिंग होती है ना थोड़ी, तो और थोड़ा मिलते जुलते वर्ड होना चाहिए उसके, कुछ पक्षियों के नाम, फलों के नाम ऐसे भी हो, तो बच्चों को वो गीत काफ़ी पसंद आते हैं, वो बार बार सुनना और गाना पसंद करते हैं वो उसको उनको। तो बच्चों के संदर्भ में मैं बताऊंगा आपको कि एक तो मैं जब अजीम प्रेमजी स्कूल ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करते ही मैंने जो पहली बार जो असेंबली में जो गीत सुनाया बच्चों को, पता चला बच्चों को कि मैं गीत गाता हूँ, गाने गाता हूँ। तो बच्चों ने कहा कि गाना सुनाओ, तो जो पहला गाना सुनाया था मैंने बच्चों को, और वो काफ़ी पसंद आया। और अब भी जब भी मैं खड़ा होता हूँ वहाँ पर माइक लेकर के बच्चों के सामने, तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ बम बम बोले मस्ती में डोले। तो ये सूरज ने भी, अब मेरा ही एक हमारा एक शिष्य है सूरज, वो भी अभी लिख दिया, टाइप किया हुआ है कि बम बम बोले सॉन्ग, तो ठीक है वही मैं गा रहा हूँ, है ना। तो इसमें कुछ उटपटांग वर्डिंग है शुरुआत में, तो वो मैंने काफ़ी टाइम पहले याद कर ली थी जब मैं शुरुआत में पढ़ाने लगा था ना, तभी ये तारे ज़मीन पर फिल्म आई थी बम बम बोले मस्ती में डोले, तो जब मैंने काफ़ी टाइम पहले याद कर लिया था ये इस वर्डिंग को, तो अभी आपको सुना रहा हूँ। चकलक चीचा चोचक लोरम कंडो वंडो लक लकटम अक्को टक्को हिड़ गिड़ गिड़ गो गिड़ पाई चिक चिक चो किली गिल मल सुन सुल मकुर को हुक बुकरे टुक बुकरे चकलक रिको चिको सिल 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 गो चकड़ दो बगड़ दो चिक चिक चो। तो देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने खोल दिए हैं नल खुले कहीं, ओ जैसा है ओ जैसा हम सोचे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए काम के दाम होंगे। कई बार हम असेंबली में गाते हैं बच्चों के साथ में और हमारे म्यूजिक टीचर के साथ में, दुर्गेश जी के साथ में, तो मैं आपको वही सॉन्ग सुना रहा हूँ। मेरे को ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा बच्चों के साथ में, बच्चे काफ़ी झूमते हैं इस गाने पर, सुनिएगा।
और ये गाना एक बार सत्य में वो जैते पर भी आया था, मैंने सुना था एपिसोड में, तो सुनाता हूँ। आपने भी गुनगुनाया होगा ये गीत, मुझे विश्वास है, मुझे पूरे उम्मीद है कि आपने भी ये गीत गुनगुनाया होगा साथ में, मेरे साथ में, है ना। और लास्ट का जो गीत है, थर्ड फेज का थर्ड गीत और इस प्रोग्राम का अंतिम गीत, अंतिम पड़ाव जो है, वो बच्चों के साथ में, मतलब मैंने साइंस फेयर में विज्ञान दिवस पर गाया है ये गीत, और बच्चों के अंदर क्यूरियसिटी पैदा करने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ये कॉमन डेज में कभी भी हम ये गीत गा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा गीत है और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमी, वाला प्रश्न जो है, प्रश्न चिन्ह जो है, प्रश्न ही प्रश्न, जब तक प्रश्न ही प्रश्न हमारे सामने होंगे तब तक हमारे सामने नई नई नॉलेज आएगी। अगर प्रश्न ही नहीं होगा तो नॉलेज, मतलब कुछ ढूंढने की, कुछ जानने की जिज्ञासा ही नहीं होगी। तो प्रश्न जिज्ञासा पैदा करने वाला जो गीत है ये, और इससे कुछ और प्रश्न भी पैदा कर सकते हैं, इसके जरिए हम बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं विज्ञान के संदर्भ में और खोज के संदर्भ में, प्रश्नों के संदर्भ में। तो काफी अच्छा गीत है, दोबारा सुनाता हूँ मैं आपको। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमी, ए सिल्क में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों, तोड़ दो पांच क्यों नहीं, सोचा है ये तुमने क्या,
अभी मैंने आज आपको 9 गीत सुनाए हैं, 3 गीत हमारे पापा की चॉइस के और 3 गीत मेरी चॉइस के और 3 गीत बच्चों के चॉइस के। तो 9 गीत मैंने सुनाए। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और मैं यही आपसे अपेक्षा करना चाहूँगा कि हमारे आसपास, हमारे दुनिया में, हमारे इंडियन म्यूजिक में, मतलब हिंदी संगीत में काफ़ी फिल्मी गीत और काफ़ी गीत और दूसरे भी अलग भी एल्बम भी काफ़ी ऐसे गीत हैं जो मोटिवेशनल गीत हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं गाने में, गुनगुनाने में, सुनने में। तो ये जो गीत हैं इनको अधिक सर्च करें और सुने और सुनाएं सबको, अच्छे मौक़ों पर बजाएं जिसमें एकता का संदेश हो, है ना, और समानता का भाव हो, ऐसा गीत जिसमें मानवता का संदेश हो। तो ऐसे गीतों को हम अधिक से अधिक प्रमोट करें। तो यही मैं आज के प्रोग्राम से लास्ट में आप सभी से ये अपेक्षा रखूँगा कि ऐसे गीतों को बढ़ावा दें, मतलब जहाँ भी कहीं भी गाएं, गुनगुनाएं और सुने और सुनाएं। थैंक यू। तो आपसे आज मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्ते। थैंक यू।